IAS IPS बनाने की फैक्ट्री है ये सरकारी स्कूल। आखिर यहाँ के बच्चे इतने होशियार कैसे हैं? मुझे खुशी है कि मैं फर्स्ट आया हूँ। इसका सारा श्रेय मेरी मैडम को जाता है। क्या ये सच में सरकारी स्कूल है या यहाँ के बच्चे किसी जगह ट्यूशन या कोचिंग लेते हैं? ये बच्चे जिन परिस्थितियों से आते हैं ना, वो बहुत ही विषम परिस्थिति होती है। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे क्या कर पाएंगे। जरूरत है तो एक संपत्ति की, जो इन बच्चों को इनका लक्ष्य याद दिलाए कि ये बच्चे भी उन बच्चों से कम नहीं है जो कि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। हम अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बात करते हैं ना, तो वो बच्चे बिल्कुल वेल सेटल्ड पेरेंट्स के होते हैं। उन्होंने कभी डिफिकल्टी देखी नहीं होती। और ये बच्चे सुबह से उठ के शाम तक संघर्ष ही करते हैं। अगर इनको कोई संपत्ति मिल जाए जो कि इनको इनका लक्ष्य याद दिला दे, तो यकीन मानिए ये बच्चे जो काम कर देंगे शायद वो उस कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी ना कर पाए। और मेरी अपील सरकार से भी है कि पूरे देश में एक जैसी ड्रेस लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब सरकारी स्कूल के बच्चे निकलते हैं और कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे एक साथ निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक हीन भावना उत्पन्न होती है कि आखिर उन बच्चों ने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है और हमने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। जब पुलिस वालों के लिए पूरे देश में ड्रेस सेम हो सकती है, तो इन बच्चों के लिए ड्रेस सेम क्यों नहीं हो सकती है? आप देख पा रहे हैं इन बच्चों के हाथों में ये शील्ड जो दिया गया है, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और सरकार द्वारा ये शील्ड नहीं दिया गया है, बल्कि हमारे साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं कलयुग के संपाति हैं ये। हनुमान जी को जिस तरह से 100 योजन समुद्र लांग जाने की याद दिलाई थी संपाति जी ने, उसी तरह से ये इन मासूम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि आप लोग भी हर कुछ कर सकते हो। ये बताइए ये भावना कहाँ से आई? क्योंकि आजकल लोग 5 रुपये खर्च नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमने सुना टीचर से बातचीत की, आपने कंप्यूटर भी दिया और बच्चों को समय समय पर प्रोत्साहित करते हैं। भावना वाली तो कोई बात ही नहीं है जी। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे जो टीचर्स हैं, शर्मा जी एक बार आप देख पा रहे हैं आज के रियल हीरो यही हैं, क्या कह रहे हैं आप? ये भावना वाली कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इन बच्चों का जो मान सम्मान कर रहे हैं ना, इनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि ये कुछ जगह उठे ऊपर और अच्छे से पढ़ाई करें। देश में हमारे स्कूल का आज हरियाणा के अंदर नाम है, तो हमने सोचा भी हम भी क्यों ना कुछ मतलब अपने स्कूल के लिए कुछ करें, कुछ दें बच्चों को, ताकि बच्चे अच्छी तरह और पढ़ें। और हमारे जो यहाँ के टीचर्स हैं, स्टाफगण हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या लगता है कि पूरे देश में एक जैसी ड्रेस व्यवस्था लागू होनी चाहिए? बिल्कुल सर, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि हमारे बच्चों को भी ऐसा लगे कि भी हम प्राइवेट या स्कूल में हैं, अलग वो डिफरेंस महसूस ना हो बच्चों को। आप टीचर्स हैं, आप देखती हैं इस तरह से आजकल कोई 1 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि मुंह पर सभी कह देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सामने कोई 1 रुपये नहीं देता, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है इनकी और हम बड़ा धन्यवाद करते हैं दिल से ही, अब बच्चों के लिए इतना करते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि इन्होंने हमारा हमेशा प्रोत्साहन किया है, हमें बहुत उत्साहित किया है, आगे इनाम देते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। लगता है मैम इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं इससे बच्चों का एक हौसला बढ़ेगा? जी बिल्कुल, बहुत बढ़ता है और साथ में बच्चों का ही नहीं, हम टीचर्स का भी हौसला बढ़ता है कि हम इन बच्चों के लिए इनके थ्रू जो हमें मदद मिलती है वो हम इन बच्चों के थ्रू हम इनको दिखाते हैं कि देखिए सर ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट रहा है और हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कि शायद प्राइवेट स्कूल हमारे से काफ़ी पीछे है इस बारे में। मैम कहा जाता है सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ नहीं कर पाते और ना देश के लिए कुछ कर पाएंगे, ये कहने की बातें हैं। आप देखो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है, टीचर भी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और बच्चे भी खूब मेहनत कर रहे हैं। हमारा स्कूल तो नंबर 1 है ही पानीपत में और आगे जाके पूरे हरियाणा और आगे जाके देश में भी बन जाएगा। बिल्कुल, मैडम ने जो कहा, क्या नाम है मैम आपका? निशा। निशा मैडम ने वो बात कही जो कि बहुत कम लोग समझ पाते, कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमेशा अपने आप को अव्वल मानना चाहिए और अच्छे नीयत के साथ काम करेंगे तो भगवान है हमें हर जगह सबसे अव्वल रखेगा। प्रिंसिपल जी हैं हमारे, लेकिन प्रिंसिपल जी लग रहा है कि अब जो देश की स्थिति है बदल रही है और सरकारी स्कूल के बच्चे भी कॉन्वेंट वालों को पछाड़ रहे हैं। निश्चित रूप से, पहले कहते थे कि भाई प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, मैं नहीं मानता उसको। हमारे जो बच्चे हैं, मैं पिछले 5 साल के अनुभव के आधार पर ये बात कह सकता हूँ कि किसी भी रूप में किसी भी तरह से सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पीछे नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो सरकारी स्कूल में सुधार होनी चाहिए? निश्चित रूप से
कुछ कमियां हैं, सरकार का प्रयास रहता है उन कमियों को दूर करने का। कौन सी कमियां है बताएंगे आप? भाई जैसे अब ये कावड़ी स्कूल है, यहाँ 1100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको बैठाने के लिए हमारे पास कमरे नहीं हैं। सिर्फ 14 कमरे हैं, एक एक कमरे के अंदर दो दो तीन तीन सेक्शन हमें बिठाने पड़ते हैं। इस प्रकार की कमियां हैं। केवल यहां पर देख पा रहे हैं बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और ये खुशी करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकती है। बताओ बेटा कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ट्रॉफी पाके। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे खुशी है कि मैं फर्स्ट आया हूँ, और इसका सारा श्रेय मेरी मैडम को जाता है। मैडम का नाम क्या आपकी? रेखा मैडम। रेखा मैडम जी, देख पा रहे हैं शायद अगर रेखा मैडम, अगर मैं किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से भी पूछता तो शायद इतनी बातें नहीं बोल पाता हो, यस और नो बोल देता इंग्लिश में। ये कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा नजर आ रही है, और लग रहा है कि हमारा जो भारत है बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बच्चे जिन परिस्थितियों से आते हैं ना, वो बहुत ही विषम परिस्थिति होती है। हम अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बात करते हैं ना, तो वो बच्चे बिल्कुल वेल सेटल्ड पेरेंट्स के होते हैं, उन्होंने कभी डिफ़िकल्टी देखी नहीं होती। और ये बच्चे सुबह से उठ के शाम तक संघर्ष ही करते हैं, पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे, क्लास की स्थितियों से वो होंगे, तो इनके साथ जो काम करने में मज़ा आना वो किसी के साथ भी नहीं है। और एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ के, और एक्स्ट्रा टैलेंटेड टीचर हैं यहाँ के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ शर्मा जी हैं। शर्मा जी, कम शब्दों में क्या कहेंगे आप? सर, बहुत ही मेहनत किया बच्चों ने यहाँ पे, इनको देख के मेरा मन बहुत ही गदगद हो उठा है, और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों से ऐसे ही मेहनत करते रहे, और हम इनका हर साल ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, आप लोगों से अपील है कि आप लोग खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू किरार के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक। फुल डे वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's फर्स्ट बिगेस्ट वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क किंगलैंड वाटर वर्ल्ड इज नाउ ओपन। एंजॉय फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर। फन का नया अड्डा किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, बी रेडी, क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's फर्स्ट बिगेस्ट वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क किंगलैंड वाटर वर्ल्ड। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसन रोड, सोंदापुर, पानीपत।